Richie Rich is his name. He's written up in the Rich Hall of Fame. His bank account is as rich as his name. That's Rich, Richie Rich. The Richie Rich Show. लेकिन सज्जनों, आप सब तो दुनिया के बेहतरीन डॉक्टर्स हैं। आपको रिची को ठीक करना ही होगा, फिर चाहे जो भी खर्चा हो। मिसेस रिच, इससे बहुत सारे उलझे हुए चेचक के दाने निकले हैं। करोड़ डॉलर वाले चेचक सिर्फ करोड़पति को ही होते हैं। इसे बहुत सारे आराम की जरूरत है, बहुत सारी शांति की भी। क्या आपने अभी कहा कि रिची के आसपास शांति होनी चाहिए? बिल्कुल आवाज नहीं होनी चाहिए। तो फिर अपने जूते उतार दीजिए, ये बहुत ज्यादा आवाज कर रहे हैं। आयरोना प्लीज, अगर आप खुद अपने जूते नहीं उतारेंगे तो इनको मैं खुद ही उतार दूंगी। रॉबर्ट कहीं कि हम तुम्हें बाद में देख लेंगे। लड़ाकू विमान, वो वहाँ ऊपर क्या कर रहा है? करतब, तो चलो, आयरोना की टेक ऑफ करने का वक्त आ गया। Good evening, sir. Good evening, Cadbury. तुम्हारे जूते कहाँ हैं? ये आइडिया आयरोना का था सर। यहाँ हो क्या रहा है? क्या यहाँ सारे नासमझ भरे हुए हैं? मेरी बीवी कहाँ है? डार्लिंग, मैं आ गया। शांति रखिए सर, प्लीज। आपको अपने जूते उतारने पड़ेंगे। जॉर्ज प्लीज, शोर मत मचाओ। रिची बीमार है, उसे आराम और शांति की जरूरत है। रिची बीमार है? पहले क्यों नहीं बताया? उसे परेशान नहीं करना है, डॉक्टरों के आदेश हैं। मुझे अपने बेटे से मिलने का पूरा हक है। कुछ भी हो जाए मैं उससे मिलकर रहूँगा। मैं आ रहा हूँ बेटे। इन्हें रिची को देखने दो आयरोना। अगर वो जाग रहा हो तो ठीक है, मैं जरा देखती हूँ। वो तो यहाँ नहीं है। ओ, पता नहीं कहाँ चला गया। ये, 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 वो रहा शैतान, मुझे तो वो बीमार नहीं लगता। और उसके चेचक के दाने भी चले गए हैं। मुझे ऐसा नहीं लगता। मेरी बात सुनो आयरोना। बाबा रे, अब मुझे वो करोड़ डॉलर वाले चेचक निकल आए। आपके आराम करने का वक्त हो गया। ओ नहीं। अरे वाह रिची, तुम्हारा मल्टीपल टीवी तो सबको चकरा देगा। ओ, सारे टीवी तो खराब हो गए, और वो भी प्रोग्राम के बीच में। फिक्र नॉट, मैं हमारे मैकेनिक मिस्टर टीवी को बुला लेता हूँ। अरे रिची, मेरी किटी पार्टी इतनी अच्छी चल रही थी कि अचानक सारी बत्तियां गुल हो गईं। तो फिर वो सिर्फ एक शॉर्ट सर्किट था जिससे मेरे सारे टीवी बंद हो गए। बस बस मिस्टर टीवी, ये आपकी गलती नहीं है कि टीवी शॉर्ट सर्किट से बंद हो गए। मैं
मैं अभी नया फ्यूज लगा देता हूँ और फिर से रोशनी हो जाएगी मॉम। ये बिजली का ताला तो पिघल गया है। हाँ, इसी की वजह से शॉर्ट सर्किट हुआ। शॉर्ट सर्किट ने तो तिजोरी खाली नहीं की होगी। जरा सुनिए, क्या आप लोगों ने यहाँ किसी अजनबी को देखा? हमने नहीं देखा है रिची। नहीं सर, यहाँ कोई अजनबी नहीं। लो, जिसने भी उस ताले को पिघलाया उसी ने पूरा वाले हिस्से की बिजली गुल कर दी। सुना रिची, मिस्टर टीवी ने तुम्हारा टीवी ठीक कर दिया है। बेहतर होगा अगर उसका काम देखकर उसकी तारीफ करो, नहीं तो वो रो रो कर जंग खा जाएगा। और अब पेश है रिच विली की खबरें। बहुत अच्छे मिस्टर टीवी, आपने बढ़िया काम किया। एक चोर जिसे झटका देने वाली कहते हैं, जो बिजली को हथियार की तरह इस्तेमाल करती है, फिर से दहशत फैला रही है। नहीं सर, यहाँ नो प्राउलर्स एट ऑल। चलो, शायद मुझे पता है हमारी तिजोरियाँ किसने तोड़ी। माफ करना रिची, मेरे सारे मेहमान तो चले गए। मुझे लगता है आपके ही किसी मेहमान ने आज तिजोरी नंबर 34 में चोरी की। ओ, ये नामुमकिन है। हो सकता है, पर आपकी अगली किटी पार्टी कब होने वाली है? कल मैं सारी सहेलियों को लेकर अपने हवाई वाले घर में जा रही हूँ। बहुत अच्छे, और आपके साथ कुछ एक्स्ट्रा मेहमान भी चलेंगे। अच्छा है वो बिखरे बालों वाली औरत यहीं पर है। छिपो, हमें छिपकर ही रहना होगा ताकि हम उसे रंगे हाथों पकड़ सके। नहीं डॉलर, रुको। चुपचाप बैठो, इन औरतों को पता नहीं चलना चाहिए कि हम यहाँ हैं। अब किसी भी तरह हमें उसके हाथों में हथकड़ी पहनानी होगी। नहीं डॉलर, वापस आओ। बिजली के झटके तो तुम ना समझो को ठिकाने लगा देंगे। मेरे होते हुए तो नहीं समझ गई। आयरोना नहीं। मुझे कोई छू नहीं सकता, और तुम्हारी छोटी तिजोरियों से चोरी करना बहुत आसान है। मैं तो इससे बड़ी चोरी करने नेवाड़ा की सोने की खान में जा रही हूँ, और मुझे कोई नहीं रोक सकता। चलो हवाई अड्डे की ओर। उसने हमारा विमान चुरा लिया। विमान के बिना तो तुम अपने डैड के खाने तक कभी नहीं पहुंच सकते। हमें दूसरा विमान ढूंढना ही होगा। कोई जरूरत नहीं, मेरे रिची को विमान चाहिए, उसे विमान मिलेगा। आयरोना एयरवेज में आपका स्वागत है। मेरा पावर कम हो रहा है, पहले मुझे चार्ज होने के लिए बिजली घर जाना होगा, फिर मैं अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा गुनाह करने निकल पड़ूंगी, इस देश के पैसों के कारखाने को लूटूंगी। वो झटके देने वाली जरूर अंदर होगी। चलो, वो वहाँ है, उसका पीछा करो।
ना समझो, तुम सब मेरी बिजली की शक्ति के सामने टिक नहीं सकते। चलो, मुझे उसे रोकने का कोई तरीका निकालना ही होगा। रुक जाओ, उसने इस दरवाजे को छुआ था, इसमें इलेक्ट्रिक वेव्स हो सकती हैं। डॉलर, रुको। ना समझो, तुम भी इस झटके देने वाली को नहीं रोक सकते। रिची रिच, तुम्हारा पैसा बहुत सारी जगहों में फैला हुआ है, और अब मैं तो चली वाशिंगटन पैसों के कारखाने को साफ करने। पकड़ना ही होगा। अगर उसने पैसों के कारखाने को खाली कर दिया तो सारा देश कंगाल हो जाएगा। पर कैसे, उसे तो कोई भी हाथ नहीं लगा सकता है। मेरे पास एक प्लान है, हमें अभी प्रोफेसर टीनबीन के लैब में जाना होगा और फिर हम जाएंगे वॉशिंगटन। बढ़िया आइडिया रिची, बहुत ही बढ़िया। उनसे काम बन जाएगा अगर मैं उन्हें ढूंढ पाया तो। हाँ, अरे हाँ, मुझे इसका स्प्रिंग ठीक करना होगा। हाँ, आखिर मिल ही गया। हाँ, शुक्रिया प्रोफेसर कीनबीन, मुझे भी पूरा यकीन था। कंचे, हम इन चार कंचों से क्या करेंगे? ये दरअसल कंचे नहीं है ग्लोरिया, मैं तुम्हें बाद में समझाऊंगा, अब चलो चले। मुझे कोई नहीं रोक सकता, ना ही सेना, ना ही नौसेना और ना ही वायुसेना, कोई नहीं। बिल्कुल कोई नहीं सिवाय रिची रिच और उसके दोस्तों के। मेरी बिजली तुम सबके होश ठिकाने लगा देगी। प्रोफेसर किनबिन के इस रबर वाले च्युइंगम की जितनी तारीफ करो उतनी कम है। अफसोस, झटके देने वाली बिजली रबड़ का कुछ बिगाड़ नहीं सकती, समझी? ओ, कोई ये बात डॉलर से कहे तो बेहतर होगा। डॉलर तो सीधे छापने वाली मशीन की ओर बढ़ रहा है, वो तो पापड़ की तरह चपटा हो जाएगा। मैं पापड़ से ज्यादा अपने असली दोस्त डॉलर के साथ ही रहना पसंद करूँगा। अलविदा रिची रिच, तुम्हें अपना डॉगी तो मिल गया पर तुम्हें झटके देने वाली कभी नहीं मिलेगी। अच्छा, तुम्हें अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा झटका लगने वाला है, झटके देने वाली। माफ करना डॉलर, तुम्हारी सफाई हम बाद में करेंगे। तुम्हारी बिजली ठंडी हो चुकी है झटके देने वाली, अब तुम्हारे चार्ज होने का वक्त है, और वैसे भी जेल की काल कोठरी में कोई बिजली घर नहीं होता है। सुनो डॉलर, नहाने का वक्त हो गया। Gosh, Richie, it sure is neat of you to invite me to your very own drive-in movie. इंटरवल हो गया, चलो चलकर कुछ खा पी लेते हैं। तुम क्या खाना चाहोगी ग्लोरिया? हॉट डॉग, बर्गर? मुझे
हॉट डॉग पसंद है और मैं बर्गर भी पसंद करती हूँ। तो फिर एक हॉट डॉग बर्गर हो जाए। एक हॉट डॉग बर्गर आ रहा है, आप क्या चाहेंगे? चटनी, मक्खन, प्याज, टमाटर या सब कुछ? आज के बाद मैं कंप्यूटर को सब कुछ रखने के लिए कभी नहीं कहूंगा। अरे नहीं। ये कबाड़ा साफ करने में तो घंटों निकल जाएंगे। तुम्हें सिर्फ इसकी ही सफाई नहीं करनी होगी रिची रिच। मेरी कूड़ा मशीन अभी अपना गंदा काम करने वाली है। जल्द ही मेरी कूड़ा मशीन रिची रिच को गरीब और मुझे अमीर बना देगी। मुझे सारी कीमती चीजें चोरी करते हुए रोकने वाला कोई नहीं होगा। अरे बारिची, तुम्हारे झाड़ू मारने वाले रोबोट्स तो कमाल के हैं। ये क्या हो रहा है? लगता है मैंशन में कुछ गड़बड़ है, चलो। अरे बाप रे, क्या हो रहा है? बाप रे। हमें इस बात का पता लगाना ही होगा। ये क्या हो रहा है बैस्कम? कूड़े की बारिश हो रही है मास्टर रिची। नामुमकिन। अरे बाबा रे, ये आयरोना को क्या हो गया है? ये कब से इतनी साफ सफाई कर रही है कि अब इसे थकावट होने लगी है। जरूर कुछ गड़बड़ है। हाँ, और ये बदबू? हाँ बदबू, और ये कूड़े का तूफान। मैं पता लगाने वाला हूँ कि ये सब कैसे हुआ। तुम यकीनन यहीं रहना चाहते हो रिची? फिक्र मत कीजिए डैड, प्रोफेसर कीन बीन के गैस मास्क की खुशबू आ रही है। मैं इस रहस्य को अधूरा छोड़कर नहीं जा सकता। और मैं यहाँ धूल मिट्टी को छोड़कर नहीं जा सकती। बहुत अच्छे कूड़ा मशीन, अब इस जगह में हम अकेले ही हैं। अब चलो इस पूरी एस्टेट को लूट ले। तो ये इनकी चाल है, उन्होंने अपने बदबूदार कूड़े से सबको दूर भेज दिया ताकि ये हमें कंगाल बना सके। ऐसा क्या? यहाँ की सफाई करने की जिम्मेदारी मेरी है और मैं इनका सफाया करूँगी। मैं तुम्हें दिखाती हूँ हमसे पंगा लेने का अंजाम। अब तुम्हें पता चलेगा कि मुझसे उलझने का क्या अंजाम होता है। अरे नहीं, डॉलर फंस गया है। देखो, वो चोर रोबोट घर के अंदर जा रहे हैं। मैं उन्हें ढूंढ लूंगी मास्टर रिची। तकलीफ मत लो आयरोना, हम उन्हें ढूंढने के लिए प्रोफेसर कीन बीन की सफाई मशीन का इस्तेमाल करेंगे। वो हमारे सोने के फ्रिज चोरी कर रहे हैं, उनका पीछा करो। अब बर्फ पिघलने का वक्त है और तुम्हारे रोबोट का जंग खाने का भी। नहीं नहीं, मैं साफ हो रहा हूँ, मुझे सफाई पसंद नहीं, उससे नफरत है, सफाई अच्छी नहीं लगती। उसका पीछा करो। धूल मिट्टी मुझे पसंद है, मुझे गंदगी प्यारी है। वो 50 टन कूड़े के नीचे छुपा हुआ है और मैं उसे ढूंढ लूंगी। रुको आयरोना, हमारे गार्डन का वैक्यूम क्लीनर उसे ढूंढेगा। ये
तुम लोग मुझे कभी पकड़ नहीं पाओगे। पीछे हटो वरना मैं तुम्हारे पूरे मेंशन को बर्बाद कर दूंगा। नहीं ऐसा मत करना, अगर मेंशन नहीं रहेगा तो मैं सफाई किसकी करूंगी? फिक्र मत करो, मैं एक ही बटन से दो गंदी मुसीबतों को साफ करने वाला हूँ, एक हमारा गंदा मेंशन और वो गंदा बदबूदार आदमी। अब चलो जरा पानी से धोया जाए। मैं साफ हो गया, साफ। मैं तो खुशबूदार हो गया, अब सहन नहीं होता, मैं हार मानता हूँ, मुझे किसी गंदी सी जेल की गंदी कालकोठरी में डाल दो। डॉलर को नहलाओ।